कैसे करें डॉट कॉम के अनबॉक्सिंग इन हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत। अगर आप साइकिलिस्ट नहीं हैं तो आप हंसिएगा मत, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ दिखाने वाला हूं, ऐसी ही अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं जो काफ़ी गजब की है। ये देखिए, ये मेरी साइकिल की सीट है और इसके ऊपर जब हम बैठते हैं तो इतनी ज़्यादा चुभती है ये, बिल्कुल भी इसके अंदर कुशन नहीं होता क्योंकि ये बहुत छोटी बनी हुई होती है। और ये जो लोग फास्ट चलते हैं, खड़े होकर चलाते हैं साइकिल को, बैठते कम हैं, उनके लिए तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कामयाब है। उनको बैठने में वापस आकर के दिक्कत नहीं होती जब भी वो थोड़ा बहुत बैठते हैं तो, लेकिन ये स्टिफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ झाले वाली है। तो मैंने जो वो इसकी इसको नरम करने के लिए किया क्या कि ये वाला जो कवर देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल सा कवर है लेकिन इसमें थोड़ा सा कुशन है। ये ख़रीदा 50 रुपये का किसी शॉप से, लेकिन इसमें मज़ा नहीं आया, यानी कि मुझे चुभन हल्का सा तो फ़र्क हुआ लेकिन थोड़े दिन बाद वो वापस आपके पिछवाड़े में चुभने लग जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोग इसकी एक और नया जुगाड़ ढूंढ के लाए, जो कि ऑनलाइन तो मैंने अभी तक सर्च नहीं किया, अगर मुझे मिला लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो वो मिला है वो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये अनबॉक्सिंग नहीं, जस्ट लिफाफे में डाला हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ, वन सेकेंड, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है हमारा, एक हाथ से निकालना भी मुश्किल होता है। ये देखिए, काफ़ी गजब का प्रोडक्ट लगा मेरे को, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं लगी। ये देखिए एक बार, आप जब इस चीज़ को देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके की चीज़ है, कैसी वैरायटी की चीज़ है। मैंने इसको यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने एक और मंगवाया दूसरी साइकिल के लिए। ये देखिए कितना गजब का, यहाँ पर ये जेली पैड बोलते हैं इसको, ये साइकिल के ऊपर इस तरह से लग जाएगा आपको। यहाँ पर इसका ऑप्शन है लगने का, यहाँ से ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, ये लगने का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये जेली पैड है और आप इसको जैसे दबाते हैं तो ये दब जाती है लेकिन वापस उसी जगह वापस आ जाती है। इसके अंदर आप महसूस भी करेंगे कुछ जेल जैसा डला हुआ है, ये जेल जैसा ऑप्शन है यहाँ पर, और बीच में स्पेस भी है। अगर थोड़ी बहुत वेंटिलेशन की दिक्कत महसूस हो तो यहाँ पर वेंटिलेशन काफ़ी गजब की करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, ताकि वेंटिलेशन नीचे से रहे। और ये काफ़ी गजब का कुशन है आपके, जो वो नीचे की हो सकता है नाड़ियाँ भी, नसीज भी पेन करने लगे या फिर उनमें सूजन आ सकती है, अगर आपकी सीट जो वो काफ़ी नरम है तो। और अभी जब वो हम लोग इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, परचेज़ करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे मिली ये 200 रुपये के लगभग की, और इसमें क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो वो रेट कम ज़्यादा हो सकता है। तो मेरा शहर छोटा है काफ़ी, तो वहाँ पर जो वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं लोग। और ये देखिए, यहाँ पर ये लगा करके आपको इसको अच्छे से कहता है भाई फिटिंग कर देनी है बस। ये देखिए गजब की फिटिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी। मैं दोबारा से दिखाता हूँ कैसे किया मैंने इसको फिट। ये थोड़ी बड़ी साइकिल जो होती है उनके ऊपर भी आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कुशन जो हुई है यहाँ वाला, ये काफ़ी नरम है। तो इसको क्या करना है, सीधा आपको यहाँ पर लगाना है और खींच करके यहाँ पर जो ये ऑप्शन है उसको साइड से इस तरीके से आपको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए बस, इसके बाद यहाँ पर ये जिप टाई दिया हुआ है, ये जिप वाला ऑप्शन है। आप इसको जब वो अच्छे से, एक हाथ से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कैमरा ऑन है, तो यहाँ पर दबा करके इसको ऊपर की तरफ आपको खींच देना है। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। उसके बाद जो आनंद आने वाला है आपको राइडिंग का, राइड क्वालिटी का, आप मानिए बहुत ही गजब का है ये, और इससे जो वो आपको मज़ा भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाला कवर इसके बाद इसके ऊपर लगा सकते हैं, थोड़ा लगाना मुश्किल रहेगा लेकिन बात बन जाएगी। और ये जो क्वालिटी है ये बहुत ही गजब की है, और इसके अंदर पानी नहीं सोखता है, ये पानी नहीं लेगी अगर बारिश में आप कभी चलाते हैं तो। तो ये है वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे तो जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां फ्री में